सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज है 15th ऑफ सितंबर, ट्यूजडे का दिन है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:10 कुछ तो हो रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कमाल की जगह, अपनी सिटी से बाहर काफ़ी दूर। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और पूरा आपको रास्ता वास्ता सब दिखाऊंगा, और क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो वेलकम बैक टू चैनल गाइज, माय नेम इज सार्थक सिंह, लेट्स ब्लॉग इट अप। तो गाइज हम लोग आज जाने वाले हैं बॉम्बे, मुंबई जो भी कहना कह लो। और मैं वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ, शॉपिंग करने। अब आप लोग पूछोगे कि भाई कोविड वहाँ पे इतना फैल रहा है, शॉपिंग वॉपिंग खाली पुला करने कैसे जा सकता है। तो हाँ यार, कोविड तो है लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हैं। कपड़े की शॉपिंग करनी क्योंकि शादी आने वाली है और मेरे कज़िन सिस्टर की अभी 2 महीने बाद, तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले, तो उसके लिए भाई थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग तो करनी पड़ती है ना। तो उसी की शॉपिंग के लिए नासिक में हम लोग गए थे। सारी दुकानें जितनी अच्छी अच्छी थी सब देखे, लेकिन मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो मम्मी और दीदी को अपना अपना सामान सब कपड़ा लेना है, तो मतलब मेरा तो बाद में लेंगे। तो अभी अच्छा यहाँ पे मिल नहीं रहा बॉम्बे में, मतलब ज़्यादा बॉम्बे में से सिटी के ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हम लोग। कल्याण जैसे आउटर में वहाँ पे जाने वाले, वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी दुकानें हमने देखी हैं, मतलब पापा ने ढूंढी है। तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं और काफ़ी मज़ा आएगा, देखते हैं वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है सब। ऐसे कोविड से ऑफकोर्स प्रिकॉशन काफ़ी ज़्यादा लेना है। और काम करते बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं, तैयार हो जाता हूँ फटाफट और फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे बॉम्बे की ओर। पता नहीं बार बार मुंबई को बॉम्बे बॉम्बे क्यों करता हूँ, बस ऐसे मज़ा आता था बॉम्बे बोलने में, पता नहीं। एंड एक्चुअल प्लान टू गो मुंबई फॉर द शॉपिंग पर्पज वॉज सडन, बिकॉज फ्यू डेज बिफोर माई फादर डिसाइड वी वर प्लानिंग एंड वी डिसाइड दैट वी विल गो ऑन 12th September फॉर मुंबई, दैट इज़ ऑन सैटरडे। बट द प्लान डिड नॉट गो सो वेल, सो वी डिसाइडेड एंड टुडे मॉर्निंग ओनली द सडन प्लान केम लाइक लेट्स गो टू मुंबई फॉर शॉपिंग पर्पज दैट वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू डेज बैक। सो येस टुडे वी कैन से इट इज़ अ सडन प्लान, क्योंकि भाई हम लोग इसे जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे अब मन में आ गया। चलो भाई हम लोग चलते हैं सीधे बॉम्बे, देखते हैं क्या क्या मिलता है, कैसा सब रहता है। तो गाइस नासिक से बॉम्बे जाते तक बीच में जस्ट नासिक के सिटी के थोड़ा बाहर एक सैमसंगाइट अमेरिकन टूरिस्टर की फैक्ट्री आउटलेट है। फैक्ट्री मतलब यहाँ पे बैग्स बनते हैं, पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सब भी है। तो हम लोग को यहाँ पे मतलब काफ़ी ऑफर में डिस्काउंट मिल जाता है बैग, ट्रॉली बैग। तो वही हम लोग अभी देखने आए हैं, नीचे शॉप भी है काफ़ी बड़ी। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस अपने मतलब बॉम्बे साइड। तो गाइस हम लोग फाइनली बॉम्बे पहुंच चुके हैं, कल्याण में अभी हम लोग एरिया में हैं। और शॉपिंग के लिए भी हम लोग 2-3 दुकान घूमे, मैं बहुत बोर हो रहा था इसलिए फ़ोन उठाने का भी मतलब मन नहीं किया। और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। सो गाइस हम लोग जस्ट एक और दुकान में आए देखने, क्योंकि कपड़ा देखना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है मुंबई जैसी सिटी में, तो इतनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शॉप होती हैं, उसमें भी जाकर चेक करना पड़ता है कि किस में आपको सही लगा। वैसे मुझे तो बहुत बोरिंग लग रहा है यार ये सिटी में आगे, मुझे खास मतलब मज़ा नहीं आ रही। अब मुझे पता चल चुका था कि ये काम मेरे पास का बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं अंधेरा मतलब होना शुरू हो चुका है। अभी हम लोगों ने अपनी बहुत सारी दुकानें जाके देखे हैं और मतलब ऐसे अच्छा लगा, उसे कुछ पसंद भी आया, लेकिन रेट ऑफ कोर्स थोड़े हाई से लग रहे थे। और अब ये ट्रैफिक देख सकते हैं, ट्रैफिक मतलब ऐसे कोविड का ज़माना है और अभी भी इतने सारे लोग ट्रैफिक मतलब अपनी गाड़ी वाड़ी लेके निकल रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग मास्क नहीं भी पहन रहे हैं, तो मतलब एक बुरी बात है। और इसकी वजह से क्या पता कोविड फैल रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ऑल ओवर हम लोग देखा जाता है, एक तरह से टहलने आए थे बॉम्बे की भाई पास में, तो चलो टहल के आ जाते हैं, देखते कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट घर जाने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग रुके नहीं आए थे, वन डे रिटर्न ट्रिप मारने आए थे, इसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा रहा है सफ़र बॉम्बे का। सो गाइस अभी जस्ट रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाईवे पे चला रहे थे, काफ़ी मस्त। अभी हम लोग क्योंकि अब इतनी देर पहुँचेंगे तो खाने का भी थोड़ा बंदोबस्त बंदोबस्त होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग अभी बीच में एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, क्योंकि बहुत कम रेस्टोरेंट चल रहे थे, इसलिए काफ़ी थोड़ा भीड़ भाड़ उसका दिखाएगा, तो सोचते हैं देखते हैं अगर कुछ मिलता है, तो फिर देखते हैं कुछ खाना पीने करके चलते हैं वापस, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लग गया धीरे धीरे, कार में तो मैं सोने वाला था, बस झटके किसी से उठ गया। सो गाइस आज के दिन हम लोग फिर से वड़ा पाव खा रहे हैं, हमें वड़ा पाव कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया था, इसलिए सब लोग यहाँ पे चारों लोग ऐसे वड़ा पाव ही खा रहे हैं।
तो गाइस हम लोग फाइनली वड़ा पाव खा के बाहर निकल चुके। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हैवी भी था, पेट में काफ़ी भर गया। दो वड़ा पाव खाते उसमें, लेकिन बड़े जो थे काफ़ी बड़े बड़े थे, पाव उसके सामने छोटा लग रहा था। काफ़ी अच्छे बनाया था उसे, पता नहीं नाम क्या होटल का, लेकिन जो भी था ग्रीन लैंड करके नाम है, इगतपुरी साइड में आता है, इगतपुरी के जस्ट थोड़ा पास में ही है। काफ़ी अच्छा था, वैसे मज़ा आ गया खाने। अब चलते डायरेक्ट घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। अब तो और दिन तक आगे एंड, और हम लोग अपने ब्लॉग के एंड की तरफ पहुँच चुके हैं। फाइनली मैं घर पर पहुँच चुका है, राइट नाउ इट्स 10:30 इन द नाइट, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स मतलब लगाए, क्योंकि हम लोग वहाँ से ऑलमोस्ट 7 पे निकलते, 6:55 पर भी 10:30 हो रहा है। हम लोगों ने आधे घंटे का, क्योंकि वो खाने के लिए ब्रेक भी ले लिया था। यहाँ से हम लोग गए थे तो नॉन स्टॉप एकदम गए थे मतलब, तो इसलिए वहाँ पे 3 घंटे लगे थे एग्जैक्ट, और यहाँ से आते मतलब वहाँ से आते 3 आवर 30 मिनट्स। तो बस यही था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हम लोग अपने वॉर जोन मतलब लड़ाई लड़के आए भाई, वहाँ वहाँ बॉम्बे में जैसे कोविड इतना ज़्यादा फैलते रहते हैं, हम लोग बच के आए, हम लोग पूरे प्रिकॉशन लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस सब कुछ कमेंट वमेंट सब कर ही दीजिएगा, आपको पता ही क्या करना है। चलो टिल देन बाय बाय, मैं आप लोग को मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।